रवि मिश्रा, रवि मिश्रा इस वक्त मौके से मौजूद हैं और रवि इस वक्त जरा घटना स्थल पर इस बिल्डिंग के आसपास क्या हो रहा है, बिल्डिंग में किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो बताइए, और अरविंद केजरीवाल सीएम भी तो पहुंचने वाले हैं वहां पर थोड़ी देर में। बिल्कुल समीर, देखिए अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल आएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री आएंगे। इसके पहले उनकी प्रतिक्रिया आ चुकी है, दुख जताया उन्होंने, शोक व्यक्त किया। मनीष सिसोदिया ने भी दुख व्यक्त किया है और केंद्र सरकार की तरफ से ये बातें कही गई हैं और मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये कहा है कि दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो बात हमारे मेहमान कह रहे थे हम उस पर भी आएंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है, इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। शर्मा सर से मेरा सवाल है, शर्मा सर से मेरा प्रश्न है। शर्मा सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, दिल्ली के जिन जिन इलाकों में हमने देखा है, हम रहे हैं, हम घूमे, हमने दो समस्याएं बड़ी देखी हैं। एक तो हमने ये देखा है कि मकान एक दूसरे से सटे होते हैं तो निकलने के रास्ते बड़े सीमित होते हैं और ऐसे में वो ब्लॉक हो जाए तो क्या हो सकता है, ये हमने अनाज मंडी में देखा, हमने मुंडका में भी देखा। लेकिन एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि दिल्ली के ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में लोअर फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के नीचे ही सारे बिजली के मीटर्स लगाए जाते हैं, वायरिंग होती है, और अक्सर ये देखा गया है कि जब उनमें आग लगती है तो बचने का, भागने का आखिरी रास्ता भी हो जाता है, ऐसा कई बार देखा गया है। क्या ये बहुत छोटी चीज अगर सुधार दी जाए तो बड़े बड़े कांड होने से क्या बच नहीं जाएंगे? ये बातें नजर में अब तक क्यों नहीं आई? कितनी जाने जाने के बाद ये हो पाएगा, ये दिख पाएगा प्रशासन को, सरकार को, एनसीटी को और जिम्मेदार लोगों को? शर्मा सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपको शायद मैं याद दिला दूं, वेस्ट दिल्ली में जनकपुरी एरिया में एक अग्निकांड हुआ था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, ऐसे ही जीने के नीचे मीटर लगे हुए थे और शॉर्ट सर्किट से फायर हुआ, धुआं ऊपर गया और जितनी फैमिली ऊपर थी उनके कम से कम भी 10 या 11 सदस्य जो हैं उनकी जान उसमें गई थी। इसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि बिल्डिंग, ये जो मीटर हैं, जो भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं इनके मीटर्स जो हैं बिजली के, जहाँ आके कनेक्शन होता है आउटसाइड से और जहाँ से बिजली इन सब फ्लोर्स को जाती है, उनको स्टेयर केस के नीचे और मीन्स ऑफ एस्केप के नीचे नहीं लगाया जाएगा, उसको एक बॉक्स में अलग जगह इससे दूर रखा जाएगा, कम से कम 3 मीटर। और ये हिदायत बिजली डिपार्टमेंट को दे दी गई थी कि भी जब भी आप इनका बिजली मीटर पास करें तो वो स्टेयर, ये सुनिश्चित कर लें कि वो स्टेयर केस के नीचे ना हो। नहीं शर्मा जी, फिर यहाँ पर बात वही इंस्पेक्शन की आ गई ना, ले देकर क्या वक्त वक्त पर फायर सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है, ये पता नहीं लगाया जाता है कि किस बिल्डिंग में क्या खामियां रह गई हैं, अगर आग लगती है तो आग से बचने के उपाय किसी बिल्डिंग में मौजूद हैं या नहीं है।